प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार को बीजेपी विधायक हरिभूषण ने विश्वकर्मा रूप में उनकी पूजा की। अब इस पर सियासत गर्म हो गई है। हरिभूषण ने विश्वकर्मा रूप में मोदी को पूजा, विपक्ष ने कहा भगवान का अपमान। इन तस्वीरों में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल विश्वकर्मा रूप में पीएम मोदी की पूजा करते आपको दिख रहे होंगे। शुक्रवार को पीएम मोदी का जन्मदिन था और विश्वकर्मा पूजा भी। हरिभूषण ठाकुर ने विश्वकर्मा का रूप देकर पीएम मोदी की पूजा की। उन्होंने मोदी शरणम गच्छामि और मोदी नाम के विलम का जाप भी किया। विश्वकर्मा भगवान के रूप में, भारत के आधुनिक शिल्पकार के रूप में इनकी पूजा हम लोग आज शक्ति केंद्र और बूथ वाइज करने जा रहे हैं। ये हजारों साल जिए और भारत को मजबूत करें। हरी रूप में मोदी की पूजा को विपक्ष भगवान का अपमान कह रहा है। वहीं जेडीयू कह रही है राजनीति में भगवान या शैतान बनाने की बात एक सीमा तक ही होनी चाहिए, जबकि बीजेपी अलग ही सफाई दे रही है। जो विश्वकर्मा तो जोड़ते हैं, निर्माता हैं सृष्टि के, बनाने वाले। यहाँ तो विध्वंसकारी रूप गुजरात का सबने देखा है, उनके नेता का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, तो ये कहाँ से विश्वकर्मा का रूप हो। जो कुछ भी है ये किसी जनप्रतिनिधि का इस तरह से करना आचरण वो उचित नहीं है। मैं समझता हूँ इसके दूरगामी लाभ न तो उस पार्टी को मिलने वाला है न उस विधायक को मिलने वाला। राजनीति में भगवान बनाने की बात या फिर शैतान बनाने की बात वो एक सीमा तक होनी चाहिए। अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, खिदमतगार हैं, 130 करोड़ लोगों की जिंदगी कैसे बदले इस काम में लगे हैं। इसलिए जब भी कोई रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्निर्माण होता है, तो लोग तुलना दे देते हैं कि साहब आप इसको बना दीजिए। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे साहब ये बना ही नहीं, आप बना दीजिए, तो तुलना कर लेते हैं। कहीं हरिभूषण जी के कहने का ध्येय उनको भगवान बताना नहीं। किसी नेता को भगवान के रूप में पूजा जाना कोई नई बात नहीं है। जन्माष्टमी के मौके पर लालू प्रसाद यादव को श्री कृष्ण के रूप में दर्शाने वाली तस्वीर तेज प्रताप यादव के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। आशुतोष के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।